मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। देवरिया मामले में अखिलेश यादव की बेटी टीना यादव भी मैदान में कूद गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। स्वर्ण जाति के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप टीना यादव ने लगाकर सभी की हेकड़ी बंद कर दी है। यादवों के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे अंधबाग, टीना यादव ने निकाल दी कमल छापों की लिस्ट। बाबा की बढ़ गई टेंशन, बाबा के लाडलों की सामने आ गई लिस्ट। दुलारों पर बाबा ने जमकर लुटाया प्यार, अब चलाना पड़ेगा अपनों पर ही बुलडोजर। टीना यादव के हाथ लग गई वो लिस्ट जिसे बाबा पिछले 6 साल से दबाए बैठे थे। अखिलेश यादव भी रह गए हैरान, शिवपाल ने थपथपाई टीना की पीठ। सुल्तानपुर में हुए कांड पर बाबा ने चुप्पी साध ली थी क्योंकि आरोपी उनकी ही जाति से जुड़ा हुआ था और उसका पूरा परिवार बीजेपी का सदस्य था, जबकि पीड़ित परिवार ब्राह्मण जाति से था। उसके बाद से ही लगातार बाबा की सांसें चढ़ी हुई थी। उस वक्त कमल छाप घूम घूम कर आरोपी की जाति ना दिखाने की अपील कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा कांड हो गया। देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोगों पर हमला हुआ। हमला करने वाले यादव जाति से थे और पीड़ित परिवार ब्राह्मण जाति से था, तो बाबा ने अपने ब्राह्मण विधायकों को मैदान में उतार दिया जो घूम घूम कर यादवों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम कर रहे थे। सुल्तानपुर में आरोपी की जाति ना दिखाने की अपील करने वाले देवरिया कांड में आरोपी की जाति का खुलकर प्रचार कर रहे थे, जिस पर टीना यादव का पारा चढ़ गया और जिसके बाद उन्होंने बाबा की हालत खराब कर दी। यादवों के खिलाफ गंदगी उगलना पड़ गया भारी, बाबा के एक एक लाडले की लिस्ट हो गई जारी, अब तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा। चुनावी मौसम में बाबा किसी भी तरह का रिस्क लेने से बच रहे थे। घोसी सीट पर हार के बाद तो वैसे भी बाबा की हालत खराब थी, लेकिन सुल्तानपुर वाले मामले में बचने के लिए देवरिया में आरोपी की जाति को उछाल रहे थे, जिस पर टीना यादव ने बाबा और उनके कारिंदों को आड़े हाथों ले लिया। टीना यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की लिस्ट देखकर बताइए किसके घर पर सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर पर 28 मुकदमे हैं, ब्रिजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह पर 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल पर 87 मुकदमे हैं, विनीत सिंह पर 34 मुकदमे हैं, ब्रजभूषण सिंह पर 48 मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमे, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमे, अभय सिंह पर 49 मुकदमे, मनु सिंह पर 48 मुकदमे। जो लिस्ट टीना यादव ने जारी की उसमें उत्तर प्रदेश के 17 बड़े माफिया और बाहुबलियों का नाम है जिनके खिलाफ संगीन अपराध दर्ज है। लेकिन उत्तर प्रदेश से माफिया को खदेड़ देने का दावा करने वाले बाबा का हमेशा इन लोगों पर आशीर्वाद बना रहा। उसकी वजह इन तमाम लोगों के नाम के पीछे सिंह लिखा होना है, जिसका आरोप पहले भी बाबा पर लगता रहा है। लेकिन जब यादवों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम किया गया तो टीना यादव ने पूछ लिया कि इन लोगों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। उसके बाद से कमल छाप बैकफुट पर आ गए। बाबा ने अपने विधायकों को नसीहत दे डाली है कि देवरिया कांड पर किसी एक जाति को आरोपी ना बताते हुए सिर्फ आरोपी के नाम और उसके कारनामे पर नजर रखें। उतना ही बोले हैं जिससे उनका सिंहासन 2024 के पहले ना डूल जाए। इसके बाद तो टीना यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे कि जो काम बड़े से बड़ा धुरंधर नहीं कर पाया वो एक झटके में टीना यादव ने कर दिखाया। स्पेशल डेस्क न्यूज। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।